हमारे भारत में बहुत सारे बधिर लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सुगम्यता नहीं मिलती, समान अधिकार नहीं मिलते और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हम आपको तीन उदाहरण देना चाहेंगे। पहला, एक बधिर व्यक्ति था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था और उसके परिवार वाले भी समाज के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। एक श्रवण व्यक्ति उसके पास गया और उसने उसे भिला फुसला कर लेकर गया और कहा उसको टीकाकरण करवाएंगे, लेकिन उसकी अनुमति के बिना उसकी नसबंदी कर दी गई। दूसरा उदाहरण, एक बधिर बच्ची जो कि 23 पुरुषों द्वारा जिसका बलात्कार हुआ, बार बार उसका बलात्कार हुआ, लेकिन वह अपने माँ बाप को कुछ ना बता सकी क्योंकि उसके माँ बाप उसके सांकेतिक भाषा नहीं समझ पाते थे। सुगमता ना होने की वजह से वह अपनी बात को अपने परिवार के आगे नहीं रख सकी। तीसरा उदाहरण, जब कोविड महामारी फैली तो बधिर व्यक्ति जब संक्रमित हो जाते थे तो वह चिकित्सक के पास जाते थे, लेकिन दुभाषिया ना होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ पाता था कि चिकित्सक उनको क्या कह रहा है और कैसी दवाइयां दे रहा है। उन्हें नहीं समझ आता था कि उन्हें स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा। जैसा कि आपने देखा कि बधिर लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सुगम्यता नहीं मिलती, समान अधिकार नहीं मिलते और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन इसको बदलाव कैसे कर सकते हैं? बहुत जरूरी है कि बधिर लोगों को उनके मानवाधिकार दिया जाए जिससे परिस्थिति और बेहतर हो सकती है।